जय श्री श्याम एवरीवन। तो अभी चल रहा है फागुन और हम अभी अभी श्याम बाबा की पैदल यात्रा पूरी करके आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फागोत्सव रखा जाए घर पे, तो इसलिए छत में हम फागोत्सव रखने वाले हैं। और सबसे पहले छत की सफाई करवा रहे हैं, देन हमें करनी है नीचे घर की सफाई क्योंकि बाहर गए थे तो कपड़े वगैरह सब बिखरे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरे कमरे की सफाई करनी है, इसलिए मैंने सोच लिया पहले तो अपने रूम की सफाई करूँगी, उसके बाद में बाकी सारा काम करूँगी। मेरे रूम की सफाई मैंने अकेले नहीं करी और बाकी घर की बाकी सब लोगों ने मिलके करी थी। शाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हम सब लोग थक गए थे, इसलिए हमने मैगी बनाई। और ऊपर टेंट का काम तो चल ही रहा था, तो मैं टेंट चेक करने के लिए गई थी, ऑलमोस्ट डन ही था। फिर सोते टाइम हमने मेहंदी लगाई और फिर हम लोग लेट सोए लेकिन जल्दी उठ गए। मेरे भाई ने सुबह उठ के दोनों लड्डू गोपाल को रेडी किया, उन्हें नहलाया और ये जो दोनों ड्रेसेस है सेम वो अभी ही श्याम बाबा से पैदल गए थे तब लेके आए थे। देन वापस से सुबह का वही डेली रूटीन, पापा ने सबके लिए चाय बनाई और मौसम बहुत सुहाना था। देन हम सब लोग आ गए मेकअप करने के लिए खुद का। वैसे तो हमें पता था मेकअप करेंगे और गुलाल वगैरह लग जाएंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग की कुछ फ़ोटोज़ अच्छी आ जाए। मैंने अपना मेकअप किया, बहुत लाइट किया था वैसे तो, लग रहा होगा ज़्यादा, लेकिन मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ। नहीं ऑलमोस्ट मेकअप तो मैंने कर ही लिया था, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है मुझे लिपस्टिक चूज़ करने में। पूजा दीदी की मैंने हेल्प ली थी, उन्होंने मुझे कंट्रास्ट में बताया था क्योंकि वाइट ड्रेस है हम सब की प्लस रेड चुन्नी है। हम मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मम्मा भी रेडी हो चुकी है। देन हम सब लोग ऊपर गए लेकिन मैं वापस से नीचे आ गई क्योंकि मुझे राधा और कृष्णा को रेडी करना था। राधा रेडी हो गई और फिर करना है कृष्णा जी को रेडी। ये जो ड्रेस है वो हमने रेंट पे मंगाई थी। देन सारे फैमिली मेम्बर्स और सारे मेहमान आ गए। कितना अच्छा लगता है ना जब सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ आए, तब मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब सब एक साथ बैठ के काम करते हैं, हंसी मज़ाक करते हैं, बातें करते हैं। नाउ मेरे प्यारे प्यारे बाबा का फागोत्सव शुरू हो चुका है। छप्पन भोग रखे हैं, मम्मी पापा पूजा में बैठ चुके हैं, राधा कृष्णा बिल्कुल रेडी है, हम सब लोग भी बैठे हैं। बस प्रोग्राम स्टार्ट होने की देरी है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। सब लोग जितने भी मेहमान हैं उन सब लोगों ने एक बार पूजा कर ली और फिर बाद में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो अब बाबा के भजन शुरू हो चुके हैं और जब भजन शुरू हो जाए तो हमारे पैर कैसे रुक सकते हैं। हम लोग भी शुरू हो गए होली खेलना, गुलाल उड़ाना और मज़े करना, सब लोग साथ में डांस कर रहे हैं। प्रोग्राम तो चल ही रहा था लेकिन बीच में लाइट चली गई, इसलिए हम सब लोगों ने बैठ के बीच में राम धुन स्टार्ट कर दी। तो लाइट आने के बाद में कुकी दीदी, पिंकी बुआ और दक्षा चाची उन्होंने भी अपने मनपसंद भजन गाए। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे हमारी मस्ती बढ़ती ही जा रही थी। किसी को तो थकान होती है लेकिन हमारी थकान तो जैसे गायब ही हो रही थी। प्रोग्राम स्टार्ट था 1 बजे से 6 बजे तक, ऐसा लग रहा था जैसे 6 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन डांस करते करते लग रहा है काश इस टाइम को रोक ले और इस टाइम को थोड़ा और बढ़ा ले। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था डांस करने में और बाबा के कीर्तन में पूरे खो जाने में। बिना भांग पिए भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे भांग पी ली हो। और जो बाबा के सिंगर आए थे वो भी इतने शानदार भजन गा रहे थे कि हमारे हाथ ताली बजाने से नहीं रुक रहे थे और पैर नाचने से नहीं रुक रहे थे। और हमारे फोटोग्राफर भी इतने एक्टिव थे कि वीडियोस बनवाने का और फोटोज खिंचवाने का तो सच में मजा आ गया।
फिर हमारे साथ में कुकी दीदी ने एक मजाक कर ली। हम सब लोग सबके कलर लगा रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा कलर लगाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी जैसे वो चक्कर खा के गिर गए। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे चुन्नी उनके गले में फंस गई है और मैं तो उस चुन्नी को फाड़ने लग गई थी। श्याम बाबा के भजन पे डांस करने के बाद में पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया, कब 7 बजने लग गई हमें तो पता ही नहीं चला। फिर हम सब लोगों ने आरती करी और प्रोग्राम पूरा हो गया। डांस करते करते तो थकान महसूस ही नहीं हो रही थी और अब तो इतनी भयंकर थकान हो रही है। एनीवेज तो फिर मिलेंगे आप सभी से। राधे राधे।